रादौर विधानसभा से आजाद प्रत्याशी रहे कश्यप ऋषिपाल कल्याण एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसको लेकर कल्याण ने आगामी 7 अगस्त को रादौर के सफल पैलेस में कश्यप समाज की एक विशेष बैठक बुलाई है। ऋषिपाल कल्याण ने बताया कि बैठक में हलके के प्रत्येक गांव से कश्यप समाज के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में कश्यप समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित अपनी भावी रणनीति तय की जाएगी। कल्याण ने कहा कि कश्यप समाज का हरियाणा के 25 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों द्वारा कश्यप समाज की अनदेखी की जा रही है। इस मीटिंग में जो है कश्यप समाज से संबंधित बहुत से मुद्दों पर चर्चा करी जाएगी। हम सभी कश्यप समाज के लोगों के साथ राजनीतिक दलों ने काफी समय से सौतेला व्यवहार किया हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं ये बीसीए समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देते, जबकि बीसीए समाज में कश्यप समाज, गडरियापाल समाज, नाई, धोबी, तेली, धीमान, पांचाल, जोगी समाज, इसके अलावा और भी कई अन्य जातियां आती हैं, परंतु कहीं पर भी हमारे बीसीए समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देते, जिसके कारण आज किसी भी सरकारी कार्यालय में आप जाएंगे तो हमारे बीसीए समाज का कोई बच्चा सरकारी पदों पर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं कश्यप समाज के सभी भाइयों से अपील करता हूं कि आप इस मीटिंग में अपने साथियों सहित पहुंचे। इसके बाद जो है जो भी वहां पर निर्णय लिया जाएगा, बाद में जो है सभी जातियों को संगठित करके उसके बाद उचित कदम उठाया जाएगा। और सभी दलों से अपील करेंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में बीसीए समाज के व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, ताकि हमारे बीसीए समाज के लोगों को राजनीति में जाने का मौका मिले और हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए। इसलिए मैं एक बार फिर सभी भाइयों से अपील करता हूं कि आपका इस मीटिंग में आना अनिवार्य है। जय हिंद, धन्यवाद।